तो जिसने भी भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया होगा या मेरी वीडियोस देखी होंगी, उन्हें क्लियरली पता होगा कि ड्रीम इलेवन स्पाइस इसलिए T10 लीग में अभी तक हमने कितनी जबरदस्त विनिंग यहाँ पे की हुई है, ठीक है। और इस मैच में भाई हम कुछ वैसी विनिंग करने वाले। कल के अगर IPL के मैचेज की बात करें तो भाई उसमें मैंने आपको अच्छा खासा पैसा कमवा के दिया था, उसकी भी बात करेंगे। टेलीग्राम पर आप जाके रिजल्ट देख सकते हो, टेलीग्राम पर मैं हर मैच के रिजल्ट आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो मेरे दोनों IPL के मैचेज के रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तरफा विनिंग भाई, कल लाखों रुपए मैंने जीते और लाखों रुपए भाई मैंने जितवाए। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फुल एंड फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च आपको कैसे करना है, सिंपली आपको @ लगाकर और KPM321 सिंपली बस आपको इतना लिखना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम हमारी मिलने वाली है, और यही चैनल आपको ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि विदाउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए भाई विनिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं मैच के कुछ स्टैट्स के बारे में, इसके बाद भाई बात करेंगे यहां पर कौन सी टीम ने क्या कुछ परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में। फिर भाई मैं आपको अभी एक डेमो टीम बना के दूंगा, लेकिन भाई फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई पहला प्लेऑफ मैच खेला जाएगा ये सिनामोन पेसर वर्सेस क्लोव चैलेंजर्स के बीच में। वहीं अगर बात करें मैच की टाइमिंग की तो भाई 9:15 पर मैच खेला जाएगा, तो मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखते हो ना, तो ईजिली बिल्कुल ईजिली भाई आप काफ़ी अच्छी विनिंग ऐसे करके जाने वाले हो, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी भाई पहली बार वीडियो देख रहे हो, क्योंकि विदाउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए भाई विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्ज ग्रेनेडा में मैच खेला जाएगा, जो कि वेस्ट इंडीज में। इसके अलावा अगर बात करें वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो यहां पर टोटल मैचेज आप देख सकते हो 26 यहां पर मैचेज अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें सिर्फ 9 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 17 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, यानी कि भाई ऑलमोस्ट डबल मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया। तो यहां से आपके लिए एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी ना, उसी के विनिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे और उसी के हिसाब से आप यहां पर टीम अपनी बना सकते हो। तो टॉस का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, टॉस की अपडेट साथ ही साथ भाई डेमो टीम में आपको अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉरी, टॉस की अपडेट भाई अभी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, पता नहीं यार मैं डेमो टीम के लिए बोल रहा था, मतलब टॉस की अपडेट और भाई जो प्लेइंग 11 रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दूंगा, हालांकि अभी मैं आपको डेमो टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले भाई आप यहां पर देख लीजिए एवरेज स्कोर क्या रहेगा। एवरेज स्कोर भाई 97/120 का रह सकता है। इसके अलावा भाई पिच की अगर बात करें तो बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए यहां पर इक्वली हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो आप यहां पर मान सकते हो कि थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर बैट्समैन को रहेगा। रीजन उसका सिंपल सा, क्योंकि भाई यहां पर जो बाउंड्री है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज यहां पर जो बैट्समैन है वो उठा सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं कि यहाँ पर भाई जो वेन्यू वो बिल्कुल न्यूट्रल ही रहे आपके सामने। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वेदर की, तो भाई वेदर यहाँ पर पार्शली क्लाउडी रहेगा, बट बारिश के चांसेस ना के बराबर यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पर वेदर से बिल्कुल मतलब अगर देखो, फिर भी अगर कोई वेदर के बारे में अपडेट आती है तो उसकी मैं पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। अब अगर यहाँ से भाई हम बात करें दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की परफॉर्मेंस की, तो वो भाई एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई देखेंगे यहां पर क्लोव चैलेंजर्स का लास्ट मैच, जो कि भाई अपना लास्ट मैच यहाँ पर हार के आ रहे हैं। किससे भाई? नटमग वॉरियर्स से। तो यहाँ पर पहले इनकी बैटिंग की बात करेंगे, अच्छी खासी बैटिंग की थी भाई। डैरन रेड ने यहाँ पर 37 बॉल पर 82 रन बनाए थे, हमारे VC थे, हालांकि कैप्टन नहीं थे, कैप्टन भाई दूसरी टीम के सुनील एम्ब्रिज थे हमारे इस मैच में। और काफ़ी ज़बरदस्त विनिंग हमारी यहाँ पर भी हुई थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई देखिए अभी है ना, वो सिर्फ आपको मैं टेलीग्राम मतलब अभी है ना मैं सिर्फ आपको डेमो टीम प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्योंकि देखो ना तो हमारे पास प्लेइंग 11 है, ना ही टॉस की अपडेट है, ना ही भाई मतलब एग्जैक्ट पिच के बारे में पता है। मतलब वो सब टॉस के टाइम पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो भाई टॉस के टाइम पर ही हो सकती हैं। तो टॉस का रोल काफी ज्यादा बड़ा यहां पर रहने ही वाला है। तो अब चलिए भाई यहां पर बात कर लेते हैं जो इनकी प्लेइंग 11 रही थी लास्ट मैच में। रोनाल्ड एटिन से भाई इस मैच में भी इतने कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए। डैरन नेट ने काफी अच्छी बैटिंग की, टेडी बिशप ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, रिकी अलेक्जेंडर जल्दी आउट हो गए थे। इसके अलावा इमरान जोसेफ को बैटिंग में कुछ करने का मौका नहीं मिला, फिर भी भाई टीम हार के आ रही, क्योंकि भाई बॉलिंग काफी ज्यादा वीक नजर आई। इमरान जोसेफ की बात करें तो 2 ओवर में भाई 41 रन दिए इन्होंने, सिर्फ 2 ओवर में 41 रन, और भाई विकेट भी इन्होंने निकाला था। विकेट हालांकि पहले ओवर में इन्होंने निकाल लिया था,
इसके अलावा अगर बात करें रोनाल्ड एटिनसे की, तो भाई एक ओवर में 11 रन दिए, विकेटलेस के जेरन नियोल ने एक विकेट निकाला था। इसके अलावा अगर बात करें तो कैसमेर थॉमस ने यहाँ पर भाई एक ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट निकाल लिया था। हालांकि टीम फिर भी ये मैच हार गई थी सिर्फ 90 ही ओवर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर भाई दो अच्छी नोक आई थी, एक तो सुनील एम्ब्रिस की तरफ से आई थी भाई 12 बॉल पर 36 की, इसके अलावा भाई 16 बॉल पर 45 की नोक आई थी यहाँ पर डोनाल्ड मैकडोनाल्ड की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर रन बॉल बनाए कैरन कोटी ने 5 बॉल पर भाई यहाँ पर 12 रन बनाए थे अकीम एलेक्सिस ने। तो अब चले भाई यहां से बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने बात कर ली है। अब चले भाई बात कर लेते हैं अपने डेमो टीम के बारे में। तो डेमो टीम तो भाई मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूंगा आपको, फाइनल टीम भाई यहाँ पर मतलब टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और ईजिली भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे और भाई वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। यहाँ पर भाई जावेद एजाड को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, सिनामोर पेसर्स की तरफ से आपको खेलते नजर आएंगे। वहीं भाई अगर बात करें यहाँ पर सिनामोर पेसर्स की, तो इनकी तो भाई मैंने बात ही नहीं की, सिनामोर पेसर्स की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये भाई अपना लास्ट मैच जीत के आ रहे अगेंस्ट जिंजर जनरल्स के, तो यहाँ पर भाई एले कैथेंसे ने 9 बॉल पर 13 रन बनाए और भाई अच्छी खासी नोक इन्होंने खेली थी। वहीं अगर बात करें जो शॉन एंड्रयू, इन्होंने भाई 2 रन बनाए, जावेद एजाड ने 18 बॉल पर 17 रन बनाए। इसके अलावा जो डेसरन मोलोनी, इन्होंने 19 बॉल पर 32 रन बनाए। मिचेल एलन भाई जल्दी आउट हो गए, इसके अलावा डैरन एप्लॉयड भाई यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं अगर बात करें सामने वाली टीम की बॉलिंग की, तो यहाँ पर भाई डेसरन मोलोनी सिर्फ इसी मैच में बॉलिंग की थी, पूरे टूर्नामेंट में 8 से 9 मैच खेल चुके हैं यहाँ पर सिनामोर पेसर्स की टीम, लेकिन भाई सिर्फ पहले मैच में डेसरन मोलोनी ने बॉलिंग की थी और यहाँ पर भाई 4 विकेट निकाल के लेके गए, 4 विकेट। मिच नारिन ने यहाँ पर भाई 1 विकेट निकाले, इसके अलावा डैरन एप्लॉयड ने भाई यहाँ पर 2 विकेट निकाले, जेमी बडी ने 2 विकेट निकाले और 1 विकेट निकाला भाई यहाँ पर जोनाथन टेलर ने। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं इनकी बैटिंग की, तो भाई बैटिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो मेन बैटिंग में भाई डेसरन मोलोनी ही रहे, यानी कि लास्ट मैच में डेसरन मोलोनी ने अकेले दम पर भाई यहां पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसके अलावा अगर यहां से बात करें डेसरन मोलोनी के अलावा अगर यहाँ से बात करें तो एले कैथेंसे भाई हालांकि इस मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन अगेन मैं आपको बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और काफ़ी यहाँ पर मतलब बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेंगे ही रहेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अब डेमो टीम की, तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर भाई जावेद एजाड को अपनी टीम में ट्राई करें और रिकी अलेक्जेंडर आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं, टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, हालांकि फॉर्म इतना साथ नहीं दे रहे और इसीलिए भाई मैं इन्हें ड्रॉप कर रहा हूं, बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहां पर एले कैथेंसे हमारी टीम में रहे, डेसरन मोलोनी लास्ट ही मैच में चले भाई यहां पर, और चले तो क्या ही चले, यहां पर आप देख लो 32 रन प्लस 4 विकेट, मतलब गजब ही कर दिया भाई। इसके अलावा यहां पर भाई बात करें तो टेडी बिशप हमारी टीम में रहे, जूनियर हेनरी को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। इसके अलावा कैसमेर थॉमस की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, गेंदबाजी के लिए ज्यादा मशहूर, मतलब बल्लेबाजी से गेंदबाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इनकी, तो आप ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन भाई मिच नरिन आर एटिन से, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप आओगे तो डी एप्लेट आपको ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन भाई जे बडी, इमरान जोसेफ, डैरन नेट 3 आपके लिए ऊपर से प्लेयर होगा। इसके अलावा यहाँ पर जे नियोल को आप ट्राई कर सकते हो या फिर भाई आप यहाँ पर जे टेलर को ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए जे टेलर के साथ जा रहा हूँ। सीबीसी की यहाँ से बात करेंगे तो कैप्टन भाई आप यहाँ से बना सकते हो, कहाँ पे का भाई मिशनरीन ये रहा भाई, डैरन नेट को आप कैप्टन बना देना, ओपनिंग करेगा या वन डाउन आएगा और 2 ओवर की गेंदबाजी करेगा। इसके अलावा वीसी भाई आप यहाँ से एले कैथेंसे को बना देना, बाकी अगर आप चाहो तो सीबीसी को रोटेट भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो क्या नाम भाई इसका रोनाल्ड एटिनसे और यहाँ से मिशनरीन, ये दोनों भी आपके लिए अच्छे खासे सीबीसी के ऑप्शन रहेंगे। डेसरन मोलोनी को अभी के लिए मैं अपनी टीम में रखूंगा, सीबीसी नहीं बनाना चाहूंगा, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आप इन्हें सीबीसी भी बना सकते हो। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, अभी के लिए आप यहाँ पर टीम देख सकते हो, कुछ डेमो टीम इस प्रकार की रहेगी। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, एक तो देखिए दोस्तों लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपली वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, @KPM321 सिंपली आपको इतना सर्च करना और आपको यहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा और इसी चैनल पर आकर आपको ज्वाइन हो जाना है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।